कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कुल्लू जिला के सैकड़ों देवी देवताओं के हजारों कारकुनों के साथ सरकार द्वारा भद्दा मजाक करार दिया है, जिसके लिए उन्होंने सरकार से तुरंत देवी देवताओं को नजराना भेंट करने की बात कही है। मिलता मात्र करोड़ भर की बात थी, इसमें कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं था। आज से पहले भी आचार संहिता में बहुत सारे दशहरे हुए हैं, अगला दशहरा भी आचार संहिता में होगा। आज से पहले जब हम चुनाव लड़े थे 2017 में या 2013 में, उस वक्त भी दशहरा जो आचार संहिता में हुआ, तब तो जो है नजराना भी मिला, दैनिक भत्ता भी मिला। और ये सरकार क्या करने जा रही है? मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं मंडी मेरी है, मंडी शिवरात्रि का आप यात्रा भत्ता भी दे रहे हैं, दूरी भत्ता भी दे रहे हैं, आप नजराना भी दे रहे हैं। मंडी आपकी है तो कुल्लू क्या बेगाना हो गया आपके लिए? कुल्लू के देवड़ों के साथ आपने जो ये भद्दा मजाक किया है, कोई इलेक्शन के बाद की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुरंत सरकार, आज रविवार का दिन है, सोमवार को देवी देवताओं को नजराना मिलना चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा कुल्लू से भेदभाव की थी, देवी देवताओं के जो है दशहरा नहीं मनाने के लिए का एक दबाव था कि दशहरा नहीं मनना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री की जो कहना है कि मंडी मेरी है, शिवरात्रि होगी, कुल्लू का दशहरा बेगाना है, ये बिल्कुल साफ झलक रहा है। और इसमें कोई भी पॉलिसी मेकिंग नहीं है और इन्हें तुरंत ये पैसा देना चाहिए और इसमें कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाता। ये सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।